श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस स्थान पर गौ माता को बांधा गया हो और गाय अपने बछड़े को बच्चिया को जन्म देती हो, उस स्थान पर उसकी मिट्टी, उसकी मृदा, उस जगह की रज, जब मकान का मुहूर्त होता है, दुकान खोली जाती है, दुकान बनाई जाती है, दुकान में कोई अग्नि का प्रवेश हो, उससे पहले जहां पर गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो, उस स्थान की मिट्टी उस भूमि पर लेपन कर दी जाए, तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं हो सकती। ये दूसरी मृदा स्कंद पुराण वर्णन करती है, धेनु मानस वर्णन करती है। दूसरी गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन करता है, जहां पर गौ माता बंदी हो, जहां पर गौ माता नित्य स्मरण करती हो और गाय के बच्चों का जन्म होता हो, और वो भी देसी गाय, देसी बच्चों को जन्म दे, विदेशी नहीं, जर्सी नहीं, हो देसी बछड़ा हो, देसी ही गाय, महाराज जहां पर गौ माता बंधती हो, गाय अपने बछड़े को जन्म देती हो, गाय अपने बच्चिया को जन्म देती हो, उस जगह की मिट्टी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रखर। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन करता है। महाराज गौ माता के खुर, गौ माता के चरण जहां पर नित्य प्रति पड़ते हो, नित्य प्रति, नित्य प्रति पड़ रहे हैं, चरण पड़ने पर गौ माता के खुर में से गो लोचनी निकलती है, हमारे वो गो लोचनी सफेद कलर की होती है, उसको आप ऐसे पटक देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी है, पर वही गो लोचनी को आप दूध में डाल देंगे तो चलना चालू कर देती है, उसको कहते हैं गोलोचनी। गो अंक में वर्णन इसका, स्कंद पुराण में इसका वर्णन। जिस जगह पर गाय बछड़े को जन्म दे, बच्चिया को जन्म दे, और जन्म देते समय पर गौ माता को जब कष्ट की अनुभूति होती है, जो कष्ट जैसे एक नारी का कष्ट होता है, वैसे ही गौ माता का कष्ट होता है। और वो कष्ट के समय पर खुर में से गौ लोचनी गौ माता के कष्ट को हरने के लिए प्रकट होती है, उस गौ लोचनी का जिभ्या से गौ माता चाटन करती है, चाटती है, और चाटने के बाद जो बछड़ा जन्म देती है उस बछड़े को अपनी जिभ्या से एक बार चाट लेती है। दुनिया में केवल एक गौ माता का बछड़ा ही ऐसा है कि वो गौ लोचनी की जिभ्या से चाटने के बाद बछड़ा तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। दुनिया में एक शेरनी भी अपने बच्चे को जन्म दे, एक चीता भी अपने बच्चे को जन्म दे, भैंस भी अपने बच्चे को जन्म दे, एक कुत्ता भी अपने बच्चे को जन्म दे, दुनिया में कोई अपने बच्चे को जन्म देगा तो बच्चे को उठने में संभलने में समय लगता है, पर दुनिया में केवल एक गौ माता ऐसी है कि गौ माता अपने बच्चे को जब जन्म देती है, जन्म देने के कुछ देर बाद जब गौ लोचनी की जिभ्या से चाट लेती है, बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है। दुनिया में केवल एक गौ माता है। गौ लोचनी ढूंढो, हम ये नहीं कहते कि तुम गौ माता के पांव में ढूंढना प्रारंभ कर दो, आप तो मत ढूंढो, गौ लोचनी जहां गिरी है उस रज का भी बड़ा महत्व, अर्थात गाय ने जहां बछड़े को जन्म दिया उस भूमि पर गौ लोचनी पड़ी है, और वो गौ लोचनी हमारे जीवन का सुख का अनुभव करा देती, वो गौ लोचनी हमारे जीवन का आनंद का अनुभव करा देती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नई दुकान बन रही हो, नया मकान बन रहा हो, महाराज नई कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और उसमें कोई व्यापार चालू करना चाहते हो, तो पहले गाय जहां पर बछड़ा बच्चिया को जन्म दिया हो, भले पहले दिया हो, पर जमीन तो वही है, रस तो वही है, वहां की मिट्टी का लेपन करने से वो सुख, वो आनंद, वो संपदा बढ़ जाती है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि मान लो कोई नया मकान आप बना रहे हो,
और वास्तु वाले को दिखा दिखा कर बनाया है तो भी उसमें कोई कमी अगर रह गई, क्योंकि आज वास्तु वाला नहीं बोलेगा तो 15 दिन बाद दूसरे वास्तु वाले को दिखाओगे वो कह देगा इसमें ये गलती है, तीसरे वास्तु वाले को लगा वो कह देगा वो गलती है, और जिस वास्तु वाले से मकान बनवाया वो तो क्या मैंने बढ़िया सब देख कर बताया बनाया, एक एक वास्तु के हिसाब से बनाया, तुमने भले वास्तु के हिसाब से बनाया पर जितने वास्तु वालों को बुलाओगे वो कुछ ना कुछ ऐब उसमें निकाल ही देंगे, ये पक्का निकालेंगे। तुम किसी को पत्रिका दिखाने चले जाओ, किसी को अपना हाथ दिखाने चले जाओ, तुम किसी से नक पूछने चले जाओ, तुम किसी वास्तुशास्त्री के पास चले जाओ, जब तक वो उसमें थोड़ा बहुत ऐब नहीं निकाले तो क्या मतलब कि उनकी राजनीति जो विद्या उसमें निकालना तो पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत भय तो उत्पन्न करना पड़ेगा ना। पर शिव महापुराण कहती है कि शंकर के पास आने के बाद कोई भय की बात होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या कष्ट, अगर शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, तो फिर सोचना नहीं है, जो होगा शंकर करेगा वो होगा। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियां आपने बहुत कर ली, तो तीन जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला सूर्य कुंड की मिट्टी, स्कंद पुराण सूर्य कुंड कहां पर है तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या, सर्वाधिक प्रियता सूर्य को क्या, क्योंकि सूर्य तपता है तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता, जैसे शनि को तेल लगाया जाता है सूर्य को घृत मला जाता। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर मिट्टी लेकर आते हैं शरीर पर लगाने के बाद, जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है, 1 किलो 2 किलो आधा किलो 250 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना, पर वो घी गाय का होना चाहिए और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता, जो करता है वो शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाते हैं। घृत पर गंध नहीं, घृत है। 3 जगह की मृदा जीव को सुख का अनुभव कराती है, पहला सूर्य कुंड महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।